अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स कैसे हैं हम सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे हैरियत से होंगे अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे आबाद रखे आमीन सो आमीन सो हेयर आई एम विद अनदर व्लॉग और आज का जो मेरा ब्लॉग है ना उसमें भी मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी आज था जी संडे और यहाँ पर ना सबसे पहले आज कल जो है मैं कॉफ़ी जो है ब्लैक कॉफ़ी वो ले रही हूँ सुबह में और उससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके जो वेट लूज़ है वो होता है और दूसरा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाता है और यानी काफ़ी सारे जो मसाइल हैं ना वो काफ इससे हल होते हैं सो so, ये थोड़ी कड़वी तो थो होती है बट काफ़ी ज़्यादा ना फायदेमंद है कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी ठीक है सो so, इसके एक से दो कप्स जो है ना वो डेली बेसिस पे ज़रूर लेने चाहिए uh, अगर जिसको सूट करें तो ठीक है अगर जिसको सूट ना करे वो जो है इसको स्किप करे ठीक है सो so, उसके बाद यहाँ पे फिर नाश्ता हो रहा था आज हस्बैंड के लिए मैंने लस्सी बनाई और दुआ को पीना था मैंगो शेक और काशान ने जो है वो नान और चने खाने थे बिस्किट हुरैन ने खाना था और बस मैंने फिर जो है ना सब बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइशों को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है ना हम लोगों ने आज बस इस तरह से ही नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद जो है ना आज मैंने खाने में जो है ना ऐसा कोई चीज़ ऐसी डिश वगैरह नहीं बनानी थी सिर्फ जो है ना आज मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा जो है ना क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको बना लिया जाए ठीक है सो उसके लिए ये पहले रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले रेसिपी जो है वो मेरी नहीं देखी और उनके लिए ठीक है उसके लिए जो है पिज़्ज़ा के लिए डो के लिए जो है ना दो कप और एक चौथाई कप जो है ना वो मैं ले लूँगी मैदे के ठीक है यानी थ्री हंड्रेड ग्राम्स ठीक है उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक टी स्पून चीनी एक टी स्पून हमीर और एक टी स्पून इक्का तीन सौ ठीक है यानी ब्रेड इम्प्रूवर और इसको डाल के मैं पानी की मदद से अच्छी तरह से गूँध लूँगी और उसके बाद जो है ना इसको मैं इसका इसको ना बिल्कुल सॉफ्ट सा गूँधना है ठीक है और इसको मैं जो है ना एक बॉक्स में डाल के और गर्म जगह पर जो है ना वो रख दूँगी क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो डो जो है वो जल्दी राइज हो जाती है ठीक है उसके बाद मैं इसका जो चिकन टिक्का है वो प्रिपेयर कर लूँगी और उसके लिए जो है ना चिकन जो पीसीज़ हैं छोटे क्यूब्स में कटे हुए ये ले लूँगी इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी साथ में मैं थोड़ा सा टिक्का मसाला थोड़ा सा ऑरिगेनो काली मिर्च और नमक डाल दूंगी ठीक है उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चिली सॉस और इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना भून लूंगी ठीक है तो इस तरह से जो है ना मज़ेदार सा जो टिक चन टिक्का है वो रेडी हो जाएगा पिज़्ज़ा के लिए और उसके बाद बारी आती है जी, जी जो पिज़्ज़ा की सॉस होती है ना उसकी ठीक है उसके लिए जो है ना मैं प्याज ले लूँगी ये प्याज़ जो है ना इसको मैं थोड़ा सा सोल्टे कर लूँगी ऑयल के अंदर ठीक है उसके बाद एज इट इज जो टमेटोज हैं उनको मैं डाल दूंगी कटे हुए और इसको भी मैं थोड़ा सा सोते कर लूँगी और उसके बाद जो है ना इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी और ऑयल के अंदर वापस से डाल दूँगी ठीक है और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल लूँगी नमक लाल मिर्च आ, का पाउडर ठीक है पीसी हुई लाल मिर्च का पाउडर थोड़ी सी चिली सॉस और आ, उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी ऑर्गैनो ठीक है और जब थोड़ा सा मुझे लगे कि पानी जो है वो ड्राई हो रहा है और ऑयल जो है वो थोड़ा सा निकल रहा है तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी कैचअप या चिली सॉस जो भी आपके पास हो ठीक है वो आप डाल देना ठीक है और मेक श्योर sure कि आपका जो चिली इसका पिज्ज़ा सॉस का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए सो जब पानी ड्राई हो जाए तो आपने जो है ना इसको निकाल लेना है ठीक है यानी इसको डिश आउट कर लेना ठीक है सो ये रेडी है उसके बाद यहाँ पे जो जो डो है ना उसको हमने आधे घंटे के बाद देखना है ठीक है तो ये अच्छी तरह से जो है ना वो राइस हो जाएगी ठीक है अभी इसमें कसर है और राइस होने की यहाँ पे इस स्टेज पे मैं डाल लूंगी इसके अंदर नमक ठीक है नमक नमक जो है वो हम लोगों ने पहले नहीं डाला था तो मैं इस स्टेज पे इसके अंदर नमक डाल दूंगी ठीक है सो नमक डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा के डो को मैं दोबारा से रख दूंगी और मैक्सिमम हाफ आवर के लिए और ये अच्छी तरह से जो है ना वो राइस हो जाएगी सो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मेरी रेडी हो गई थी अब बारी आती है पिज़्ज़ा को असम्बल करने की सो डो जो है वो माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी जो है वो राइस हो गई थी और इसके बाद मैंने इसकी एक रोटी जो है वो बेल ली तो जो पहला फर्स्ट पिज्ज़ा था ना वो मैंने इस तरह से बनाया था कि मैंने पहले जो है इसके ऊपर सॉस लगा दी थी ठीक है पिज़्ज़ा सॉस और इसके एजेस जो हैं उसके अंदर मैंने चिकन फिल किया था इसके सारे है जिसके आ, अंदर जो है ना मैं चिकन जो चंक्स है ना वो डाल दूँगी ठीक है चीज़ भी आप लोग डाल सकते हो ठीक है बट मैंने सिर्फ जो है ना चिकन डाला था और उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो कैप्सिकम्स हैं ठीक है शिमला मिर्च वो डाल दूंगी और जहाँ पर हम लोगों ने चिकन डाला था ना उसको मैं इस तरह से जो है ना रोल कर दूँगी ठीक है एजिस के ऊपर आप किसी भी किस्म की स्टफिंग जो है वो कर सकते हो आप लोग चीज़ भी चीज़ जो है वो भी डाल सकते हो चिकन जो है उस प्लेन वो भी डाल सकते हो और दोनों चीज़ें मिक्स जो है वो भी डाल सकते हो हालिफ वाइट सॉस जो है उसकी भी बना के फ़िलिंग तो वो भी उसके अंदर जो है वो फिल कर सकते हो जब घर में जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं सो हम कोई भी ऑप्शन जो हैं वो कर सकते हैं यानी एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकते हैं और यहाँ पर हुरैन फातमा भी मेरे साथ पिज़्ज़ा जो है वो बना रही थी क्योंकि वह कह रही थी मम्मा मैंने भी डालना है ऊपर सो इस तरह से जो है ना मैंने इसकी फिलिंग जो है वो सारी कर दी और उसके बाद एडिस्ट के ऊपर और इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा सा जो एग योग थी ना वो स्प्रेड कर दूँगी ठीक है ताकि अच्छा खासा गोल्डन सा कलर आ जाए और उसके बाद जो है ना दूसरा भी पिज़्ज़ा जो है वो मैं रेडी कर लूँगी और यहाँ पर जो है ना मौसम काफ़ी ही अच्छा हो गया था कल क्योंकि संडे था और लाइट जो है वो चली गई थी और उसके बाद जो है ना मैंने जल्दी से अपने बाकी पिज्जा जो हैं वो रेडी किए और मौसम इतना कोई हसीन हो गया था ना और बारिश भी जो है वो माशाल्लाह से बहुत तेज़ हुई थी इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी ना पिछले कुछ दिनों से और बस अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था यहाँ पे जो बाकी की डो थी ना वो उसके लिए उसमें से ना मैंने थोड़े से ब्रेड्स भी बना लिए थे तो उसके लिए मैंने वाइट सॉस बना के उसके अंदर मैंने चीज़ डाल दिया था उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी तो इस तरह से जो है ना ब्रेड मैं बना लूंगी ठीक है और इसके अंदर फिल करके तो वो भी मैं जो है ना इस तरह से बेक कर लिया था सो so, उसके बाद ना मौसम काफ़ी अच्छा था तो फिर हम लोग चले गए बाहर और फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे वन ऑफ द लाहौर का बेस्ट फालूदा है इनके पास तो हम लोगों ने वो इन्जॉय किया सो so, जनाब ये था जी आज का मेरा ब्लॉग आई होप कि आपको आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़